हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएसपी न्यूज अपडेट्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पीईटी की लिखित परीक्षा 19 अगस्त को मंजूरी मिल गई है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भर्ती व चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, यानी कि सरकार की मंजूरी मिल गई। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हुआ या माध्यमिक आयोग हुआ, इन सब आयोग को जब तक सरकार की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक ये अपने से एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। जबकि लोकसभा जो आयोग है वो अब निष्पक्ष है, वो अपने से एग्ज़ाम डेट लेता है, करा सकता है। लेकिन इन आयोगों को सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है इतने बड़े एग्ज़ाम कराने के लिए, क्योंकि इसमें 20,73,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जबकि पंजीकरण जो था, पंजीकरण आपका 28 लाख हुआ था, लेकिन पूरा फार्म फीस पेमेंट होने के बाद जो सबमिट हुआ टोटल, वो 20 लाख समथिंग ही फार्म शामिल हो पाया था। तो ऐसे में एकदम परीक्षार्थी तैयार हो जाएँ, क्योंकि 17 और 18 अगस्त को पीजीटी के एग्ज़ाम है। तो हालांकि जिनका पीजीटी के एग्ज़ाम है वो अभी से अगर 1 घंटे टाइम निकाल लें तो उनका तो सही है, लेकिन जिनका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम नहीं है वो तो एकदम जी जान से उसमें लग जाएँ। क्योंकि जैसे एक परीक्षा होगा आपका, सितंबर में लेखपाल की भर्ती आ जाएगा। क्योंकि अभी पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन जो है आयोग में, उसका काम जारी था और उसका नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। तो ऐसे में जैसे ही पेट का एग्ज़ाम होकर रिजल्ट आता है, तुरंत 1 हफ्ता के अंदर लेखपाल का भर्ती आ जाएगी और 40,000 पदों भर्ती आएगी, जिसमें 40,000 में 10,000 तो आपकी लेखपालिक भर्ती है और 30,000 में और भर्ती भी आ सकती है। तो ऐसे में आइए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक अर्थात परीक्षा पीईटी 19 अगस्त को 2 पालियों में प्रतिदिन सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के साथ बैठक में परीक्षा की तारीख को मंजूरी दे दी है। प्रारंभिक अर्थात परीक्षा के लिए कुल 20,73,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी कि 19 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा वो प्रदेश के 75 जिलों में, और 75 जिले में दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, सुबह शाम दोनों मीटिंग। इसलिए क्योंकि परीक्षार्थियों की भीड़ ज़्यादा, भीड़ के चलते डिसाइड किया गया है कि परीक्षा दोनों पालियों में होगी और सभी जिलों में। क्योंकि 20 लाख परीक्षार्थियों को अगर 20-25 जिलों में एग्ज़ाम कराना है तो संभावित नहीं सकता था, ऐसे में प्रदेश सभी जिलों में दोनों मीटिंग में परीक्षा होगी। यहाँ में देख सकते हैं कि पेड 21 जो सरकार की सेवाओं में भविष्य में विज्ञापित होने वाले समूहों की भर्तों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली पीएट 19 अगस्त को 2 पालियों में प्रदेश सभी ने आयोजित की, यानी कि ये जो एग्ज़ाम होगा इसके बाद जो भी ग्रुप सी कोई भर्ती आएगी वो भर्ती ग्रुप सी के लिए होगी। यानी कि पेड क्वालिफाई करने के बाद आप ग्रुप सी की कोई भर्ती आएगी तो जो पेड क्वालिफाई रहेगा वही उसका फॉर्म डाल सकता है, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति एग्जाम परीक्षा फॉर्म भर सके। तो इसलिए जो भी परीक्षार्थी है तैयार हो जाए एकदम, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, मात्र 1 महीने 18 दिन का समय है, उससे भी कम है। इसलिए सभी लोग तैयार होके इसकी तैयारी एकदम जी जान से कर लें। आप यहाँ भी देख सकते हैं हिंदी न्यूज़ जो दैनिक का आज शाम का है उसमें भी दिया है कि पेट 2021 प्रारंभिक अर्थात परीक्षा की तारीख घोषित, 19 अगस्त को दक्षिण में हो जाएगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक अर्थात परीक्षा 19 अगस्त को 2 पालियों में सभी जिलों में आयोजित की जाएगी, यानी कि जो एग्जाम है 2 पाली में आयोजित हो जाएगी। और इससे क्या रहेगा कि नकल होने की संभावना है, क्योंकि लड़के हर स्कूल में कम मात्रा में रहेंगे जब हर जिले में होगा। अगर मंडल में होता तो मंडल में ज़्यादा लोग होते, लेकिन ऐसे में भीड़ भी कम रहेगी हर स्कूल में और उसका परीक्षा भी अच्छे ढंग से करा ले जाएगा। तो जो भी दोस्त हैं उसमें लग जाए तैयारी के लिए। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।